एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में छात्र संघ का तीसरा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से रविवार को संपन्न हो गया। कुल 9,122 मतदाताओं में 1,077 जिसमें 712 छात्र एवं 365 छात्राओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 5, उपाध्यक्ष पद के लिए 2, महासचिव पद के हेतु 4, संयुक्त सचिव 2, कोषाध्यक्ष 4 एवं काउंसलिंग मेंबर के लिए 33, कुल मिलाकर के 50 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत मतदान स्वच्छ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में डॉक्टर विनोद बैठा भी उपस्थित थे। चुनाव संचालन समिति के संयोजक में सभी सदस्यों द्वारा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतगणना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार की सुबह 10 बजे से आरंभ होगा। आप देख रहे हैं सीटीवी मिथिला और मैं हूं सुनील भारती। इस वक्त छात्र चुनाव हो रहा है और छात्र चुनाव को लेकर के आज मतदान हो रहा है। मतदान में हम पहुंचे हैं एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में और मेरे साथ हैं चुनाव जो करा रहे हैं पदाधिकारी। हम उनसे बात करेंगे कि सर किस तरह की जो माहौल है छात्र चुनाव को लेकर के। माहौल बहुत ठीक है, पहले से अपेक्षा ज़्यादा है। चुनाव में लड़के आ रहे हैं, हर साल से ज़्यादा लड़के आ रहे हैं और अभी तक बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी की बात नहीं हुई है। मेरे यहाँ जो है 9,000 स्टूडेंट हैं, अब तक जो है 1,100 स्टूडेंट जो है मतदान कर चुके हैं और आगे अभी चल ही रहा है मतदान। अभी एक घंटा बचा हुआ है और मतदान चलेगा, शांतिपूर्ण होगा। और इसका क्या किस तरह से पूरी तैयारी है मतगणना के लिए भी? मतगणना कल हम 10 बजे से करेंगे। कल 10 बजे? हाँ, कल 10 बजे से मतगणना हम करेंगे और उसका परिणाम जिस वक्त आ जाए मतगणना हम 10 बजे से करेंगे जी। तो आज मतदान हो रहा है छात्रों का और कल जो है सुबह में 10 बजे से मतगणना भी हो जाएगा। हम और छात्र से बात करते हैं कि किन मुद्दे से लेकर के वो छात्र मतदान कर रहे हैं, इसके लेकर के हम चलते हैं छात्र के पास। छात्र से भी हम बात करेंगे कि छात्र का क्या मुद्दा है और किन मुद्दों पर जो है अपना मतदान कर रहे हैं, बताइए किन मुद्दों पे आप छात्र। हमारे कॉलेज की मतलब यहाँ लड़के लोगों की ज़्यादा मतलब जमा उमाव रहता है और मतलब गैदरिंग ज़्यादा रहता, इस कारण अच्छे हम छात्र नेता को चुनने के लिए। और क्या मुद्दा रहेगा? और मुद्दा और क्या नाम हुआ जी? मनीष कुमार जी, आपका क्या मुद्दा है और किन मुद्दों पे आज मतदान करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमेशा शांति बना रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत झगड़ा सब चलते रहता है, इसलिए बहुत सारे लड़कों लोगों का जमाव रहता है और इकट्ठा लड़ाई झगड़ा इकट्ठा अक्सर होते रहता है। हम और भी छात्र से बात करेंगे, बताइए कि आप किन मुद्दों पर चुनाव मतदान कर रहे हैं, क्या मुद्दा क्या रहेगा आपका, जो कैसा आप छात्र नेता चुन रहे हैं? किस तरह का जो चाहते हैं कि वो आपका छात्र नेता क्या करे, आखिर वो जीते तो क्या करे आपका छात्र नेता? जैसे ये मतलब जो सुरक्षा जो होता है, जैसे मतलब वहाँ काउंटर पे वो सबसे ज़्यादा बढ़ाया जाए और जैसे मतलब कॉलेज में जो कमी हो उसको पूरा किया जाए। आप छात्र नेता जो चुन रहे हैं उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? सुरक्षा कायम रखे और चुनाव दे, अच्छा से देखे, देखभाल, मारपीट ना हो। आपका क्या मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा आपका, किस तरह का छात्र नेता चुनना चाह रहे हैं? यही कि जो जीते हमारे कॉलेज में अभी शिक्षा उच्च शिक्षा मतलब बहाल करवाया, अभी सिर्फ ग्रेजुएशन तक है तो उससे उच्च शिक्षा हम चाहते हैं। क्या नाम है? दीपक मिश्रा। आपका क्या मुद्दा रहेगा, आप कैसा नेता चुनना पसंद करेंगे? जो अच्छा हो। किस तरह का अच्छा हो, कैसा, देखने में अच्छा हो? तो काम अच्छा करे, कॉलेज में करे। क्या कॉलेज में क्या कमी लग रही है जो उनसे उम्मीद रखते हैं? सब नहीं है, फिर बैठने के लिए उच्चतम व्यवस्था नहीं है, छात्रा के लिए अथी नहीं है, मतलब सिस्टम सब वही सब। आप क्या उम्मीद करते हैं वो छात्र नेता से? हम उम्मीद करते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त हो हमारे कॉलेज में, बढ़िया से बढ़िया, और छात्रावास की सुविधा भी प्राप्त हो जो कि हमारे विद्यालय में महाविद्यालय में नहीं है, और लड़कियों के लिए महिला सुरक्षा गार्ड होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, कैसा जो छात्र नेता चुनना पसंद करेंगे और उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा
छात्र तक कॉलेज को अच्छा हो और जो क्लास जो चलता है वो बराबर कंटिन्यू चले, और स्कूल कॉलेज के अंदर हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनको थोड़ा अच्छा सुरक्षा मिले, गर्ल्स के लिए लेडीज गार्ड हो, और यही उम्मीद हो जाएगी अच्छा हो, हर सुविधा करवाए, कोई भी दिक्कत हो उसको दिक्कत को सॉल्व करें, ये ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम एंडी सिराज हुआ। हाँ जी, तो छात्रों जो है खास करके सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था स्कूल में हो और उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था भी जो है यह कॉलेज में हो जाए। हम खास करके और लड़कियों से बात करेंगे कि आखिर जो है छात्र जो है वह लड़कियों की सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं, तो हम लड़की से भी बात करेंगे कि आखिर उनकी सुरक्षा वो किन मुद्दों पर जो है मतदान कर रहे हैं। हम छात्रा से भी बात करेंगे कि आखिर उनका मुद्दा क्या है और किन मुद्दों पर जो है छात्र चुनाव में अपना मतदान किए, तो बताएंगे कि आपका मुद्दा क्या रहा है। मेरा मुद्दा ये है कि जो क्लास होती है वो तो टाइम पर होती है, लेकिन हमें हर चीज़ समय पर होना चाहिए, हर चीज़ एक लेवल पे होना चाहिए जो स्टूडेंट को चाहिए, और जो स्टूडेंट अगर कुछ कहे तो उसका पूरा कर, यही है। क्या लड़कियों की सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं? हाँ, लड़कियों की सुरक्षा की तो अवश्य ही ज़रूरत है, जो होती है लड़कियों के साथ जो ना होना चाहिए, तो बस यही अनुरोध है कि ऐसा ना हो जो इसको खत्म किया जाए। जो अभी आप छात्र जो छात्र नेता चुन रहे हैं, हाँ, क्या उससे उम्मीद करते हैं कि इस समस्या पे खरा उतरेंगे? उम्मीद है कि वो अवश्य उतरेंगे और जो हम लोग की अनुरोध है वो पूरा करेंगे, तो यही। क्या नाम है? मेरा नाम संगम कुमारी है। है कि छात्र की समस्या को जो है समाधान करेंगे। हम एक दो छात्र से और जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या किन मुद्दों पे जो है अपना मतदान करेंगे, क्या मुद्दा क्या रहेगा आपका? क्या सर? क्या मुद्दा है आपका, क्या सोचते हैं आप छात्र नेता से, क्या उम्मीद रखते हैं? छात्र नेता से हम यही उम्मीद रखते हैं जो प्रेसिडेंट जीतेगा ये जो हमारे काम करेगा, जो छात्र हित में काम करे उसी को हमको वोट करना है, जो छात्र हित में काम ना करे उसको वोट नहीं करना है। क्या नाम है? मेरा नाम दिलकुश कुमार मिश्रा है। जी बताइए क्या मुद्दा रहेगा, आप किस तरह का छात्र नेता चुनना पसंद कर रहे हैं? जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे, जो नहीं करेगा तो उसको वोट तो नहीं मिलेगा, यही। आपका क्या मुद्दा? सर मेरा तो यही मुद्दा रहेगा, जो आज मतलब जो स्टार्टिंग में जब क्लास ज्वाइन किए थे तो वही स्टूडेंट सबको देख रहे थे जो कौन अच्छा सा है स्कूल में मेंटेन स्टूडेंट को करता है, तो सर हम लोग गेस किए हैं जो कुछ इसमें जो वॉइस थे तो अच्छा से मेंटेन किए थे, तो हम उन्हीं को अपना वोट देने जा रहे हैं, ऐसे को नहीं देने जा रहे हैं जो अपना इलेक्शन के समय ही अपना आते हैं कॉलेज पर दिखाते जो हम वोट में खड़े हुए थे उनको वोट चाहिए, तो वैसे को हम नहीं दे रहे, वो देख रहे हैं जो कौन सा स्टूडेंट विद्यार्थी है वैसा जो स्कूल के प्रति समर्पित है उसी को हम लोग वोट देने जा रहे हैं। क्या नाम हो? सर मेरा नाम गुरदुख कुमार सिंह। एक्टिव रहते हैं, छात्रों की समस्या सुनते हैं, ऐसे छात्र नेता को चुनने जो है एवलिसम कॉलेज के छात्रों का प्रथम प्राथमिकता है। सुनील भारती, सी टी वी न्यूज़, दरभंगा।